हाउ टू ड्रो एनिमे हेयर। इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे हेयर्स को ड्रॉ करना, इसके बाद सीखेंगे हेयर्स को प्रोफेशनली शेड करना। एनिमेशन हो या डिजिटल आर्ट, हेयर्स को ड्रॉ करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली एनिमे हेयर्स, क्योंकि ये डिफरेंट शेप, साइज एंड वैरायटी में आते हैं, लाइक स्प्लिट बैंग्स हेयर, नो बैंग्स हेयर, पोनी टेल, ट्विन टेल, बॉब कट, हीमे कट, बन हेयर स्टाइल एंड कर्ली हेयर स्टाइल। इन सभी हेयर स्टाइल्स को ड्रॉ करने के लिए हमें इन्हें डिटेल में समझना होगा। फर्स्ट हेयर स्टाइल है स्प्लिट बैंग्स हेयर स्टाइल। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस टाइप के हेयर स्टाइल में हेयर बीच से स्प्लिट होते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये बीच से ही स्प्लिट हो, थोड़ा इधर उधर चल सकता है। स्प्लिट बैंग्स हेयर स्टाइल का यूज ज्यादातर एक्स्ट्रोवर्ट, ग्रोन अप, मैच्योर एंड हॉट कैरेक्टर्स पर किया जाता है, स्पेशली एनिमे मॉम्स। दूसरा हेयर स्टाइल है नो बैंग्स। एज यू ऑल नो, इस हेयर स्टाइल में फोरहेड पर बैंग्स नहीं होती। नॉट गोना लाई, ये वाला हेयर स्टाइल एनिमे कैरेक्टर्स पर काफी ज्यादा कूल लगता है, स्पेशली मेल कैरेक्टर्स पर। नेक्स्ट हेयर स्टाइल है पोनी टेल। ये वाला हेयर स्टाइल तुम्हें ऑलमोस्ट सभी एनिमे में देखने को मिल जाएगा। पोनी टेल हेयर स्टाइल का यूज ज्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स के लिए किया जाता है, बट हम इसे मेल कैरेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनिमे वगैरह में तुम्हें पोनी टेल के साथ काफी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इस वाले हेयर स्टाइल का रिश्तेदार है ट्विन टेल। ये वाला हेयर स्टाइल पिछले वाले से भी ज्यादा पॉपुलर है। ट्विन टेल हेयर स्टाइल का यूज मैक्सिमम टाइम कवाई, लोली एंड यंग कैरेक्टर्स के लिए किया जाता है, बट यू कैन यूज दिस हेयर स्टाइल ऑन नॉर्मल कैरेक्टर्स एज वेल। नेक्स्ट है बॉब कट हेयर स्टाइल। ये भी काफी पॉपुलर है। ये वाला हेयर स्टाइल तुम्हें ज्यादातर सेकंड लीड फीमेल कैरेक्टर्स पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हीमे कट हेयर स्टाइल। ये वाला हेयर स्टाइल सभी हेयर स्टाइल्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हीमे कट हेयर स्टाइल का यूज ज्यादातर मेन लीड फीमेल कैरेक्टर्स के लिए किया जाता है। हीमे कट हेयर स्टाइल में इस हीमे वर्ड का मीनिंग है हायर क्लास वुमेन या प्रिंसेस, स्पेशली इन जापानीज कल्चर। नेक्स्ट हेयर स्टाइल है बन हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हें इस टाइप से एक या दो लड्डू बनाने हैं। इस वाले हेयर स्टाइल का यूज हम मेल कैरेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं, स्पेशली हॉट एंड बैडेस कैरेक्टर्स के लिए। और नेक्स्ट हेयर स्टाइल है कर्ली हेयर स्टाइल। इस वाले हेयर स्टाइल को हम काफी सारी शेप, साइज एंड वैरायटी में बना सकते हैं, और इसीलिए इसे ड्रॉ करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई ये वाला हेयर स्टाइल तुम्हें काफी कम देखने को मिलेगा। इन सभी हेयर स्टाइल्स को तुम आपस में मिक्स करके एक यूनिक हेयर स्टाइल भी बना सकते हो, लाइक कर्ली हेयर प्लस ट्विन टेल एंड हीमे कट प्लस बॉब कट। इसी टाइप से तुम अपने कैरेक्टर्स के लिए न्यू हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। एंड मेल कैरेक्टर्स के लिए तुम कुछ कॉमन हेयर स्टाइल ड्रॉ कर सकते हो, लाइक स्पाइकी हेयर, लॉन्ग हेयर, मीडियम हेयर, शॉर्ट हेयर एंड वेरी शॉर्ट हेयर। इन सभी टाइप्स के हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक गंजा टकला, बॉल्ड हेड, व्हिच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन। मैक्सिमम टाइम एनिमे हेयर्स आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, फ्रंट हेयर, साइड हेयर एंड बैक हेयर। ये तुम्हें ऑलमोस्ट सभी हेयर स्टाइल्स में देखने को मिल जाएगा। एज यू कैन सी, ये है फ्रंट हेयर, जिन्हें तुम बैंग्स भी कह सकते हो, और ये है साइड हेयर एंड ये है बैक हेयर। और हाँ, हेयर ड्रॉ करते टाइम हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, और वो है सोर्स पॉइंट, जहाँ से हमारे सभी हेयर्स ग्रो होते हैं। इसी सोर्स पॉइंट से हमें सभी हेयर्स को ड्रॉ करना होगा। एंड जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सोर्स पॉइंट हो, ये एक सोर्स लाइन भी हो सकती है, जस्ट लाइक सोर्स पॉइंट। सोर्स लाइन भी ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क करती है। इसमें भी हमें सभी हेयर्स को सोर्स लाइन से ड्रॉ करना होगा। एक कॉमन मिस्टेक जो काफी बिगिनर्स करते हैं, और वो है हेयर को इस स्कल से चिपकाकर ड्रॉ करना। इस टाइप से हमें हेयर्स को ड्रॉ नहीं करना है, हमें यहाँ पर हेयर वॉल्यूम का ध्यान रखना होगा। बेसिकली हमें स्कल से चिपकाकर हेयर्स को ड्रॉ नहीं करना है, और दोनों के बीच में गैप रखना। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो अपना सर खजाकर देखो, समझ आ जाएगा। ऑल्सो डोंट ट्राई टू ड्रॉ एवरी सिंगल हेयर, इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन शेप एंड स्ट्रक्चर। बेसिकली हमें पहले इस टाइप से जनरल शेप को ड्रॉ करना होगा, इसके बाद हमें इसमें डिटेल्स ऐड करनी है। इस टाइप से हमें इसे अपसाइड डाउन वी शेप में कट करना है, एंड इसके बाद इस टाइप से कुछ हेयर स्ट्रैंड्स को ड्रॉ करना है। ऐसा करने से ये देखने में और भी ज्यादा ऑसम लगेगा। और इसी टाइप से हमें हेयर की टिप्स को ड्रॉ करना है, लाइक सिंगल टिप ड्रॉ कर सकते हो, और या फिर डबल टिप भी ड्रॉ कर सकते हो, और कुछ जगह पर इस टाइप से ओवरलैप भी कर सकते हो, और या फिर इस टाइप से भी बना सकते हो, और या फिर इस टाइप से, जैसा भी तुम्हें सही लगे। एक और इजी टेक्निक है जिससे हम हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें सबसे पहले एक रिबन ड्रॉ करना है, इसके बाद हमें इसमें बस डिटेल्स ऐड करनी है, लाइक इसकी टिप को पतला करना है और कुछ एक्स्ट्रा हेयर स्ट्रैंड्स को भी ऐड करना है। ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा पॉपुलर है अमंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स। इससे तुम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग हेयर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। नाउ लेट्स क्विकली ड्रॉ सम हेयर। फ्रंट हेयर ड्रॉ करने के बाद अब हमें ड्रॉ करने हैं साइड हेयर, एंड लास्ट में ड्रॉ करने हैं बैक हेयर। बैक हेयर में ड्रॉ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। इसी टाइप से हम मेल कैरेक्टर के हेयर ड्रॉ करेंगे।
अब हमें इसमें करना है फ्लैट कलर। इस वाले स्टेप में हमें बस बालों में कलर करना है, सभी हेयर्स में फ्लैट कलर करने के बाद। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए जर्किंग असाइड, आ जाते हैं इस ट्यूटोरियल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप पर, हाउ टू शेड एनिमे हेयर लाइक ए प्रो। दैट्स व्हाई हम फॉलो करेंगे ये फोर स्टेप्स फॉर शेडिंग हेयर। फोर्थ स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि है फर्स्ट शेडो। और इसे करने के लिए पहले फ्लैट कलर वाली लेयर के ऊपर क्रिएट अ न्यू लेयर। इसके बाद हमें इस न्यू लेयर को सेट करना है ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड हमारे कलर को ऑटोमेटिकली डार्क कर देगा, लाइक दिस। ब्लेंडिंग मोड लेयर का यूज करना जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो मैन्युअली भी कलर को डार्क कर सकते हो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्लिपिंग मास्क। इस न्यू लेयर पर हमें क्लिपिंग मास्क को भी ऑन करना है। एज यू कैन सी, इसे ऑन करने पर शेडिंग का कलर फ्लैट कलर से बाहर नहीं जाएगा, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। ये सब करने के बाद अब हमें हेयर की शेडोज ड्रॉ करनी है उन सभी एरियाज पर जहाँ हेयर में शेडोज बनेंगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हेयर में शेडोज कहाँ पर बनेंगी? बेसिकली इसके लिए हमें पहले ही इमेजिन करना होगा हमारा लाइट सोर्स। लाइक अगर लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है तो ऑफ कोर्स हमारी शेडोज बनेंगी राइट साइड, और इसी के अपोजिट अगर लाइट राइट साइड से आ रही है तो शेडोज बनेंगी लेफ्ट साइड। समथिंग लाइक दिस उन सभी एरियाज पर जहां लाइट नहीं जाएगी, जैसे कि इस जगह पर और इस जगह पर, एंड इन सभी हेयर्स के नीचे भी शेडोज बनानी है। हमें हेयर की आउटलाइन के साथ साथ हेयर की शेडोज ड्रॉ करनी है। फर्स्ट शेडो करने के बाद अब आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, जो कि है सेकंड शेडो। बेसिकली सेकंड शेडो करने के लिए हमें कुछ जगह पर और भी ज्यादा डार्क शेडोज को ड्रॉ करना होगा। ऐसा करने से हमारे हेयर्स में और भी ज्यादा डेप्थ आएगी। हमें सेकंड शेडो को हर जगह नहीं करना, बस ऐसी जगह करना है जहाँ तुम्हें लग रहा है कि शेडोज काफी ज्यादा डार्क बनेंगी। अब ये देखने में पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एयर ब्रश। इस वाले स्टेप में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सेकंड शेडो का कलर लेकर एयर ब्रश से हल्का हल्का करना है फॉर सॉफ्ट ग्रेडियंट लुक, समथिंग लाइक दिस। इसको हल्का हल्का ही करना है, डार्क नहीं करना है, वरना ये हमारी सभी शेडोज को हाइड कर देगा। और ये सब करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है हाईलाइट। हेयर के हाइलाइट को भी हम काफी टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से लाइट कलर लेकर सिंपल शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। ये भी देखने में बेकार नहीं है, चाहो तो इसे रख सकते हो, बट मैं इतनी सिंपल हाईलाइट नहीं रखने वाला। हाईलाइट को अच्छा करने के लिए हमें इसे डार्क एरिया से इरेज करना होगा कुछ इस टाइप से। इसके बाद ब्रश के साइज को छोटा करके डिटेल्स ऐड कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये है एक सिंपल तरीका हाईलाइट करने का, मैक्सिमम टाइम मैं इसका ही यूज करता हूँ। लेकिन आज हम करेंगे इससे भी ज्यादा एडवांस हाईलाइट, जो तुम्हें तो फ्री में कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट पिक अप योर हेयर कलर, इसके बाद कलर की ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, और इसी के साथ हमें कलर को भी चेंज करना होगा, लाइक दिस। अब इस टाइप से हाईलाइट करनी है। इसके बाद दोबारा से हमें हेयर कलर सिलेक्ट करना है और फिर से कलर की ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है और कलर को भी चेंज करना है, बट दूसरी साइड। एंड इसके बाद इस टाइप से कुछ एरियाज में हाइलाइट्स करनी है, ऑल्सो डार्क एरियाज को भी रेज करना है। और फाइनली एयर ब्रश लेकर हल्का हल्का ग्लो भी करना है। एज यू कैन सी हमारी मेन हाईलाइट ये है, लेकिन तुम चाहो तो कुछ अदर एरियाज पर भी हाईलाइट कर सकते हो, लाइक यहाँ पर और यहाँ पर, बट कम्पेयर टू मेन हाईलाइट हमें अदर हाईलाइट्स की ओपेसिटी को कम रखना है। इसके बाद तुम चाहो तो हेयर्स में एक्स्ट्रा डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक स्किन कलर लेकर फोरहेड के हेयर्स पर हल्का हल्का एयर ब्रश करना, इससे देखने में काफी अच्छा लगेगा और एक ट्रांसपेरेंट लुक भी आएगा। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा हेयर स्ट्रैंड्स भी ऐड कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। एंड लास्ट में हमें ऐड करनी है शैडो ऑन फोरहेड, जिसे ज्यादातर आर्टिस्ट करना भूल जाते हैं। चाहो तो हेयर के आउटलाइन को भी कलर कर सकते हो। एंड फाइनली हमारे हेयर डन। ये हाईली डिटेल्ड हेयर बनाने के लिए काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। इसी टाइप से हम अदर हेयर्स को भी शेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है फर्स्ट शेडो, और इसके बाद ड्रॉ करनी है सेकंड शेडो, एंड इसके बाद एयर ब्रश, इसके बाद हाईलाइट, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स, एंड ये हमारा फाइनल रिजल्ट। ये सब आर्टवर्क तुम्हें मेरे इंस्टा पर देखने को मिल जाएंगे, इंस्टा का लिंक कमेंट में है, क्लिक करने का मन करे तो फॉलो कर लेना।